हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सपोज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज टू प्लस अंडर रूट थ्री। ना अगर एक रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री है तो दूसरा होगा टू माइनस अंडर रूट थ्री। कॉन्जुगेट रूट्स कहलाते हैं, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बेसिक कंसेप्ट है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हमें सम ऑफ रूट्स पूछा जाए तो ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए। एंड ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज सी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर सम ऑफ रूट्स अगर हम इन दोनों रूट्स को ऐड करें तो वो आएगा 4, तो इससे बी की वैल्यू हमारी आ गई है 4a। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1, तो इससे हमारे पास में सी की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में एक और जानकारी दी गई है, ए बी सी रैशनल नंबर्स है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू सी क्यूब, बी की वैल्यू है 4a और ये इक्वल है सी क्यूब के, दैट इज ये ए क्यूब के इक्वल हो गया है। यहां पर ए क्यूब माइनस 4a इज इक्वल टू जीरो, ए हम यहां कॉमन लें तो ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, इसे हम लिख सकते हैं a, a प्लस 2 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तीन पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो a की वैल्यू 0 होगी, या a की वैल्यू होगी माइनस 2, या a की वैल्यू होगी प्लस 2। यहां पर ये प्लस 2, जैसे हम a माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे a की वैल्यू 2 आएगी, बट गिवन है a इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसे तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ए की ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ माइनस 2 अगर आप लेंगे तो आंसर आएगा 2, और मॉड्यूलस ऑफ 2 लेंगे तो भी आंसर आएगा 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2, और ये हमें सेकेंड ऑप्शन में गिवन है।